आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर रायबरेली में स्याही फेंके जाने पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। वहीं पुतला दहन के दौरान आप पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। पुतला दहन पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद नाराज आप कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती रायबरेली जिले में प्राथमिक स्थल का दौरा करने पहुंचे थे, तभी अराजक तत्वों ने उन पर स्याही फेंकने का काम किया। दिल्ली सरकार के विधायक के निर्वाचित विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर हिंदू युवा बहाने के कार्यकर्ता ने जिस तरीके से कायराना हरकत की है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे सीवाईएसएस उत्तर प्रदेश की क्या इसकी घोर निंदा करती है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती जी को भाजपाइयों के द्वारा स्याही फेंका गया और हमला किया गया, जिसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे थे। जबरन बर्बरता पूर्वक हम लोग गिरफ्तार किया गया है। जा रहे थे कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उनके ऊपर स्याही फेंकी और उनको पुलिस ने आगे से निकाल दिया और उल्टा हमारे विधायक को गिरफ्तार करने का काम किया है। इसकी आम आदमी पार्टी घोर निंदा करती है। उत्तर प्रदेश में तानाशाही नहीं चलेगी। हम जनता की आवाज इसी तरह लगातार उठाते रहेंगे, उठाते आए हैं। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है, आगे भी लड़ाई इसी तरह लड़ते रहेंगे।